हेलो गाइज, वेलकम टू मम्मा एंड जीनीस किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले। तो मैं लाई एकदम नई रेसिपी जिसमें करेले जो है उनको ना तो हमें बांधने की ज़रूरत है और ना ही हमारा ऑयल ख़राब होगा। तो मैंने करेले जो है उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब करेले का जो है बाहर वाला खुरदरा सा जो पार्ट होता है उसको नाइफ की हेल्प से रिमूव कर देना है। ये देखिए मोटा मोटा जो है इनको मैंने रिमूव कर दिया है और मैं फिर से करेले को वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद सारे करेले जो है छान कर सूखने के लिए रखती हूँ मैं थोड़ी देर तक। अब हमें करेले को जो है नाइफ की हेल्प से बीच से काटना है और इसके जो सीड्स है उनको निकाल देना है। तो आप ये सीड्स जो है स्पून की हेल्प से निकाल सकते हो, लेकिन ये जो है थंब से निकाल देना है। तो इनको बिल्कुल एकदम खाली कर देना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे जो करेले हैं सबका जो सीड है निकाल दिया है। ये देखिए मेरे सारे करेले जो है एकदम अंदर से खाली हो चुके हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए मैं इनका जो पानी है उसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने इसमें कोई भी नमक नहीं लगाया है, बिना किसी नमक लगाए इसका पानी ऐसे ही निकलने दूँगी। इससे भी मेरे जो करेले हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे और एकदम से पौचक पड़े और टेस्टी बनेंगे। तो अब मैंने लिया है कढ़ाई में तेल और तेल को करना है गरम। तेल गरम होने के बाद जो है क्या करना है, हमें सारे करेले एक एक करके तेल में डाल देने हैं फ्राई करने के लिए। हमें सारे करेले जो है उनको करना है डीप फ्राई। अभी हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, खाली जो करेले हैं उनको ही हमें फ्राई करके रख देना है। देखिए मैंने जो है सारे करेले तेल में डाल दिए हैं, अच्छे से डीप फ्राई करने हैं ये सारे करेले। पूरे के पूरे ऑयल में मैंने अच्छे से डुबो के रख दिया। चलिए जब तक करेले जो है फ्राई होते हैं तब तक हम मसाला बनाते हैं। मसालों के लिए मैंने लिया है प्याज, लहसुन, दो हरी मिर्च और अब हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं सूखे मसाले। तो खूब सारा धनिया डालना है और हल्दी पाउडर डालना है एक चम्मच और डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर वो भी एक चम्मच और नमक। ये मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर और एक चम्मच डाला है सब्जी मसाला। अब जो है सारे मसाले हमें ब्लेंडर में डाल देने हैं क्योंकि हमें इनको अब पीसना है। और हाँ, हमने जो करेले से सीड निकाले थे उसमें से जो सॉफ्ट सॉफ्ट से सीड है उनको भी इसके साथ हमें पीसना है। तो ये सारे मसाले और करेले के सीड जो है उनको पीस देना है। तो देखिए हमारा जो मसाला है तैयार हो चुका है स्टफिंग के लिए। अब देखते हैं हमारा जो करेला है तैयार हुआ है। तो ये जो करेले हमारे हैं ये अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। ये देखिए अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इन सारे करेलों को जो है तेल से निकाल देंगे। तेल देखिए एकदम बिल्कुल साफ है। अब करेले रख दिए हमने एक बाउल में। अब हमें क्या करना है, जो हमने मसाला तैयार किया है अब उसको फ्राई करना है ऑयल में। मसाला डाल देते हैं ऑयल में और कर देते हैं अच्छे से फ्राई। फ्राई करने में जो है मसाले को टाइम लग जाता है, तो इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है और अच्छे से हिलाते रहना है ताकि हमारा जो मसाला है कढ़ाई पे ना चिपके। इस तरह से करेले बनाओगे तो झटपट से तैयार हो जाएंगे और मसाले एकदम से चटपटे और टेस्टी बनेंगे। टाइम की भी बचत होती है इससे और हमारा जो ऑयल है वो एकदम साफ रहता है, क्योंकि अगर हम करेले की स्टफिंग जो है धागे से बांध कर बनाते हैं तो उससे हमारा जो है तेल ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मसाला तैयार करना है। मसाला हमारा हो चुका है तैयार, इसका कलर भी डार्क हो चुका है। गैस को कर देते हैं बंद और अब हम क्या करते हैं, लेंगे अपने फ्राई किए हुए करेले। अब हम इनमें कर देंगे मसालों से स्टफिंग। तो देखिए हमारा जो स्टफ्ड करेला है इस तरह से हो गया है तैयार। करेला पहले से फ्राई था और मसाला अलग से फ्राई करके करेले के अंदर डाल के ना तो बांधने की ज़रूरत पड़ी
और ना ही खाते वक्त खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इस तरह से करेला बनाने से जो है मसाला भी इसमें अच्छे से पक जाता है और टेस्ट एकदम बहुत बढ़िया बनता है। तो ये इस तरह से मैं सारे करेलों में मसाला जो है डाल दूँगी और करेले सारे एक प्लेट में निकाल दूँगी। ये देखिए मैं सारे करेले तैयार करती हूँ। ये हमारे करेले हो चुके हैं तैयार। आप ही एक बार इस तरह से करेले बना कर देखना, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये हमारे स्टफ जो करेले हैं हो चुके हैं तैयार। तो अब आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खा सकते हैं। आज की रेसिपी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।